भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कल प्रदेश पार्टी कार्यालय में एक विशाल प्रदर्शन करेगी और सीएम हाउस का घेराव करेगी। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एम सादिक एवं हुसैन खान के नेतृत्व में किया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एम सादिक ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि सीएम गहलोत अल्पसंख्यक समाज का ध्यान न भटकाएं बल्कि मुद्दों पर बात करें। सीएम कहते हैं, प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज अपने वोट कांग्रेस को देता है और कांग्रेस ही इनके सबसे बड़ी हिमायती हैं, तो सीएम मुझे बताएं कि इन चार वर्षों के शासनकाल में इस समाज को दरकिनार क्यों किया, वह उसके हितों के लिए क्या काम किए। अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर भी एक सरकार खरी नहीं उतरी। ऐसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कल दिनांक 9 फरवरी 2023 को सीएम आवास का घेराव करेगा। विरोध के बिंदु इस प्रकार हैं। घोषणा के बाद भी जयपुर शहर के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास आज तक नहीं बने। राज्य सरकार के रिव्यू पिटीशन में न जाने के कारण भीलवाड़ा की पूर्व वाली मस्जिद का केस वक्त बोर्ड हार गया। भरतपुर में भाजपा कार्यालय पर झूठे आरोप, बेरोजगारों के साथ धोखा, ये पूरे राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के 28 रिक्त पद हैं, लेकिन महज 5 पदों को इसमें शामिल किया। उर्दू लेक्चरर के 28 पद हैं, लेकिन विज्ञापन सिर्फ 5 का ही हुआ। इसके अतिरिक्त अपनी और भी सब बहुत सारी मांगों को लेकर कल ये सीएम आवास का घेराव करेंगे। देखें, हम आज राजस्थान में बैठे हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात जहां तक आपसे करूंगा कि राजस्थान की जो सरकार आई थी, जिन वादों के आधार पर इन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और विशेष रूप से अल्पसंख्यक और दलित समाज के लिए, उसमें पूर्ण रूप से ये फेल हुई है और 4 साल इनके व्यर्थ चले गए हैं। आपने बात की केंद्र सरकार की, मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार की जितनी भी 300 योजनाएं हैं अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उन सभी योजनाओं में 30-35% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ है। मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर में 25 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन फायदा सभी योजनाओं का 30-35% हुआ है। अब आप जाइए शौचालय के अंदर में, जहां भी अल्पसंख्यक समाज की बस्तियां हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, वहां पर सबसे ज्यादा शौचालय बने, यानी भारतवर्ष के अंदर में 11.5 करोड़ शौचालय बने, जिसमें 35% शौचालय अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों में बने। जहां तक बात है रसोई गैस की, 9.5 करोड़ के करीब रसोई गैस का वितरण हुआ, 28% अल्पसंख्यक समाज को फायदा हुआ। और वही नहीं, जनधन खाते 47.7 करोड़ खुले, यानी अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ है, उससे भी 1.5 गुना ज्यादा भारत के अंदर में जनधन खाते माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुले, जिसके अंदर में 35% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ। वही नहीं है, आप आवास योजना में चले जाइए, 4 करोड़ के करीब जो आवास वितरण हुए हैं, जहां पर करीब करीब 25% से ज्यादा आवास वितरण अल्पसंख्यक समाज को हुआ। वही नहीं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चले जाइए, 80 करोड़ को फायदा हुआ इस भारत के अंदर में, जहां पर 25% से ज्यादा फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ। वही नहीं, 220 करोड़ वैक्सीनेशन भारत के अंदर में लगी कोरोना काल के अंदर में, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक एक वैक्सीन के 2,500-2,500 रुपए चार्ज कर रहे थे। उस स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने योजना चला करके अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोग, जहां उनकी आय के स्रोत बंद हो गए थे, वैक्सीनेशन लगाना उनके बस का रोग नहीं था, उनके फ्री में बिना चार्ज के वैक्सीनेशन लगा करके उनको भारतवर्ष के अंदर में काम पर बाहर आए वो इस लाइक बना दिया। और वही नहीं है, अभी जो अभी हमारे सादिक साहब कह रहे थे कि हज के अंदर में, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री जी की, अभी हज के अंदर में 50,000 रुपए कम कर दिए इन्होंने, जब हज पर आज ही जाएंगे हमारे हज जी। आपने बताया कि करीब 25-35% तक का फायदा अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है, तो राजस्थान में चुनाव है तो क्या टिकटों में भी ऐसा फायदा देखने को मिलेगा? देखें, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट होता है वहां टिकट दिए, अभी भी त्रिपुरा में 2 टिकट दिए हैं पार्टी ने, जहां पर भी। और लेकिन आपको मैं बता देता हूं, मैं 25-35% क्या इतना फायदा होगा? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हमारा जो नेतृत्व है और हमारा जो राज्य में नेतृत्व है, लगातार राजस्थान में भी उन्होंने लगातार टिकट दिए हैं, हमारे साथ साथ मंत्री थे, और वही नहीं, हमारे ऐसे पावरफुल मंत्री थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब राजस्थान के कोने कोने से आते थे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब हमारे कैबिनेट मंत्री बैठते थे, तो अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति किसी भी कोने से आया हो उसकी समस्याएं पहले सुनी जाती थी। आज
हमारे जो मंत्री राज्य सरकार में बनाए हैं उनके पास में पावर नाम की कोई चीज नहीं है, उनको तो केवल लेबल लगा दिया और उनकी गाड़ी पर लाल पट्टी लगा दी। अगर प्रशासनिक अधिकारी उनके पास कोई फोन करता है तो उनकी कोई सुनता नहीं है, और जब सुनता ही नहीं है तो लोग कोई समस्या भी लेकर के नहीं आते। देखिए, जिस तरीके से पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और खासतौर से इनकी सरकार ने माइनॉरिटी से जो वादा खिलाफी की है, जो चुनावी घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादे किए उन वादों पर ये खरे नहीं उतरे हैं और सिर्फ झूठी बातें इन्होंने करी है। यहाँ तक कि माइनॉरिटी को डराने का काम किया है बीजेपी का नाम लेकर या दूसरी पार्टीज का नाम लेकर। तो इनकी पोल खोरने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे जयपुर भर में, पूरे प्रदेश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कल इकट्ठे होंगे और एक जोरदार विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत जी के खिलाफ कलम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाने का काम किया है, सीएम हाउस का कलम घेराव करने वाले हैं और बहुत मजबूत तरीके से संघर्षशील करने वाले हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी इसके अंदर, किस तरीके से घेराव किया जाएगा और किस हद तक किया जाएगा? क्या आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो दोबारा इसको रिपीट करेंगे या इसके आगे मुताबिक होंगे? देखिए, अगर हमारी मांग जो भी मुद्दे हैं हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो मुद्दे हमने चीफ सेक्रेटरी के पास भी कई बार पहुंचाए हैं और मुख्यमंत्री जी को और इनके मंत्रियों को भी कई बार हमने मेल भी किया है और हम लोग व्यक्तिगत भी जाकर मिले हैं। मगर इन्होंने ये सोच लिया है कि माइनॉरिटी, तो जैसा उनको लगता है, वो बोलते हैं हमेशा कि 95% पोल माइनॉरिटी का मेरी तरफ होता है, अशोक गहलोत जी ऐसा बोलते हैं। तो ये उनकी गलतफहमी हम दूर करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी, पहले आप 21 पर सिमटे थे तब भी आप मुख्यमंत्री थे, इस बार आप 11 पर सिमटे हैं अभी भी आप मुख्यमंत्री हैं। वक्त है, चेत जाइए। भीलवाड़ा की पूर्व वाली मस्जिद का मसला हो, बॉयज हॉस्टल का मसला हो, स्कॉलरशिप का मसला हो या हायर एजुकेशन के मामले हो, आप इन मसलों को सुलझाइए और नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर और यहाँ पूरे जयपुर में उन्होंने 16 ब्लॉक से प्रदर्शन किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे महंगाई के मुद्दे सुनाने में? देखिए, हमारे यहाँ 4 साल से अशोक गहलोत जी की सरकार है, क्यों उन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी और तमाम टैक्स क्यों उन्होंने कम नहीं किए, वो सब उनके हाथ में है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो दूसरे राज्यों की तरह, हरियाणा और दूसरे राज्यों की तरह, जीएसटी को कम करके पेट्रोल डीजल के दाम नीचे ला सकती है ताकि हमारे यहाँ भी महंगाई कंट्रोल में हो। बल्कि मैं राज्य सरकार से, अशोक गहलोत जी से कहता हूँ कि अभी पिछले महीने जो फसल का जो खराबा हुआ है उसके लिए आप किसानों को मुआवजा दीजिए, और उसके अलावा जो पेपर लीक का जो मसला है उसके, ये भी हमारा कल एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, बेरोजगारी हमारा प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। और पेपर लीक के लिए एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही कि ऐसी क्या बात है कि जो लॉकर में जो पेपर रखा हुआ था वो बाहर किसी ने तो निकाला है, चाहे वो आरपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे इनके शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हो, किसी ने तो उन पेपर्स को बाहर निकाला है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि आरपीएससी को चेयरमैन को भी आप बर्खास्त कीजिए, छोटे अधिकारियों के ऊपर गाज मत गिराइए, आप उस चेयरमैन को भी आप बर्खास्त कीजिए। कांग्रेस कहती है कि हम प्रतिनिधित्व देते हैं अल्पसंख्यक समुदाय को, हमारी पार्टी पूरा प्रतिनिधित्व देती है, तो भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मेरा अशोक गहलोत जी से एक बात कहना है कि आपने रिप्रेजेंटेशन देकर कर क्या दिया? भाजपा की सरकारें जब हुआ करती थी, राजस्थान में हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे माइनॉरिटी के, और जो लोग राजनीति जानते हैं, जो लोग मीडिया के जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि उस कैबिनेट मंत्री का क्या रुतबा हुआ करता था। आज जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सिर्फ कब्रस्तानों के मामले देख रहे हैं, वो ना उनके पास कोई पब्लिक डीलिंग का मामला है ना कोई और दूसरे मामले हैं। उसके अलावा भाजपा की सरकार ने जब 2003 से 8 हो या 13 से 18 के हमारी सरकारें हो, 7-7 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, और हमारे जो राज्य मंत्री हुआ करते थे वो सारे पावरफुल होते थे, इन सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, भवन बनाए, भवन निर्माण कराया, सचिवालय में ऑफिस दिया। ये तो बॉयज हॉस्टल नहीं बना पा रहे, डूब के मर जाने वाली बात है शांति धारीवाल के लिए और अशोक गहलोत जी के लिए। सर, झुंझुनू जिले के अंदर मदरसा बोर्ड के करोड़ों की जमीन इसको कुछ दूर करके ये जो देखिए, तो ये मदरसा बोर्ड से भी बात की थी, ये वक्फ बोर्ड से के अधिकारी भी इसमें शामिल थे, ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मसला है। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा जो है हर 15 दिन में 3 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी साहिबा से जाकर मिलता है, जो भी उस टाइम के वर्तमान जो मुद्दे होते हैं। हमने झुंझुनू जिले का और जोधपुर का और माउंट आबू सिरोही का ऐसे कई मुद्दे सीएस साहिबा को दिए हुए हैं कि आप इन पर वक्त रहते एक्शन लीजिए, वरना ये प्रॉपर्टीज खुर्द बुर्द हो जाएंगी, आप इनको इनका या तो किराया वसूलिए या किराया नामा बनाइए या ये प्रॉपर्टीज वापस वक्फ बोर्ड के पास जानी चाहिए। अब हम चीफ सेक्रेटरी से फिर मिलने वाले हैं सोमवार को सिर्फ झुंझुनू के मसले पे। जी, क्या मांगे हैं आप, मांगों को लेकर आप?
देखिए पूरा हमारा एक ये पूरा प्रेस नोट बना हुआ है, प्रेस नोट मीडिया के सभी साथियों को दिया है। तो विरोध के हमारे कई सारे मुद्दे मैंने अभी बताया, स्कॉलरशिप बंद कर देने का मसला हो, हायर एजुकेशन के लोन बंद कर देने का मसला हो, या ये जो हमारा बॉयज हॉस्टल के मसले हो, पूरे प्रदेश भर में बॉयज हॉस्टल बनाने का वादा था, जयपुर में बना नहीं पाए सीएम साहब, बल्कि इन्होंने सीएम साहब ने खुद उसका संग बुनियाद किया, वो क्या बोलते हैं उसका नींव का पत्थर रखा और उसको सीएम साहब ने खुद कैंसिल किया, प्रताप नगर में जमीन दी और शांति धारीवाल जी ने गंगा देवी जी के कहने से कैंसिल करा दी। तो ये कांग्रेस की विधायकों का, मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का जो खेल है, इसको हम लोग माइनॉरिटी के और प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे और इनको 11 सीटों पर समेटेंगे। क्या बजट से जुड़ा हुआ मुद्दा, बजट अभी पेश होने वाला है राज्य सरकार? देखिए मदर्स जो बजट में जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो सबसे बड़े जो मसले हैं वो मदरसा पैरा टीचर्स का है, और मदरसा पैरा टीचर्स का नियमन सिर्फ एक बार हुआ है, जब वसुंधरा जी की भाजपा की सरकार हुआ करती थी, हमने 2400 मदरसा पैरा टीचर्स का नियमन किया था, उसके बाद से अशोक गहलोत जी ने कोई मदरसा पैरा टीचर्स का नियमन नहीं किया, मदरसा बोर्ड का संविधान नहीं बनाया, खेल सामग्री बंद कर दी गई, शिक्षा सामग्री बंद कर दी गई। प्रदर्शन नहीं, कल जयपुर शहर में, जयपुर प्रदेश स्तरीय प्रदेश हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।